सत श्री अकाल एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं मूंग दाल की मठरी। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आप एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें कसूरी मेथी डालकर थोड़ा रोस्ट कर लीजिए। जब ये हल्की सी गर्म हो जाए तो आप इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब आप उसी कढ़ाई में थोड़ा ऑयल डाल दीजिए। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसमें जीरा डाल दीजिए। जीरा गरम हो जाए तो आप इसमें करी पत्ता डालकर, हमने एक घंटे के लिए मूंग दाल को भिगो के रखा था उसका पानी निकाल कर वो डाल दीजिए और इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अब आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, टेस्ट अनुसार नमक डाल दीजिए और जो कसूरी मेथी को रोस्ट करके रखा था वो हाथ से क्रश करके डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए जब तक ये अच्छे से भून ना जाए। जब दाल हल्की सी फ्राई हो जाए, इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो आप इसको प्लेट में निकाल लीजिए। ये ड्राई होनी चाहिए। अब आप आटा ले लीजिए, ये गेहूं का आटा है और इसमें आधा कटोरी आप सूजी डाल दीजिए। मैंने 2 कटोरी आटा लिया है तो आधी कटोरी सूजी डाली है। अब आप इसमें नमक डाल दीजिए। मोयन के लिए रिफाइंड ऑयल या ऑयल आपके पास जो भी है आप वो डाल सकते हैं। आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। अब जो हमने दाल को फ्राई करके रखा था वो डाल दीजिए और इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और आप इसको हाथ से थोड़ा दबा कर देखिए, अगर इसका ये इकट्ठा हो जाता है तो इसका मतलब आटा परफेक्ट है, मोयन ठीक पड़ा है। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट डो लगा लीजिए। आटा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है, थोड़ा टाइट ही रखिएगा। अब आप इसको आधे घंटे के लिए रख दीजिए। आधे घंटे बाद आप लोई निकाल लीजिए और इसको चकले पे बेल लीजिए। अगर आपके पास कुकीज़ कटर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको कटोरी से भी कट कर सकते हैं। आप इसको अपने मनचाहे शेप में कट कर लीजिए, इसको ज़्यादा मोटा मत रखिएगा। ऐसे ही आप सारी मठरी कट करके तैयार कर लीजिए। अब आप एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें ऑयल गरम कर लीजिए। मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और सारी मठरियाँ इसमें फ्राई कर लीजिए। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिएगा, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। और इसको दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लीजिए। दोनों तरफ से अच्छे से पलटते रहिएगा।
जब मटरी दोनों तरफ से फ्राई हो जाएं तो आप इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए और इसको सर्व कर लीजिए। मैं आपको एक मटरी तोड़ के भी दिखा रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी बनी है, बिना मैदे की बनी है ये आटे से, बहुत टेस्टी बनती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।